नमस्कार, भाग्य वास्तव में धीरेन शाह। बहुत सारे परिवार में मैंने सबसे ज़्यादा एक समस्या देखी है, आर्थिक प्रगति की, आर्थिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारा आर्थिक डेवलपमेंट सर बहुत डिस्टर्ब है। हम लोग जिंदगी जो सुखा करी भुगत नहीं सकते, हमारे भाग्य साथ नहीं देता है। हम लोग बहुत अच्छी तरह मेहनत करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, फिर भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तब मैंने देखा है कि एनालिसिस किया है, वास्तु के हिसाब से मकर में दोष होता है, तो कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादा दोष होने के हिसाब से आर्थिक प्रगति आप नहीं कर पाते हैं? वो जो मैंने देखा है उसमें सबसे बड़ी डायरेक्शन फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कार्य करती है, वो है साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। अगर अगर दक्षिण दिशा का आपके घर में वास्तु दोष है, दक्षिण दिशा में दिशा वास्तु के हिसाब से अरेंजमेंट में नहीं है, किसी न किसी तरह दोष बड़ा है, तो आपकी आर्थिक समृद्धि कभी नहीं बढ़ पाएंगी। आप अपने मकान में दक्षिण दिशा के वास्तु के हिसाब से अरेंजमेंट कर लीजिए, वास्तु दोष नहीं है फिर भी उसको ज़्यादा पॉजिटिव बना लीजिए, अगर है तो उसको सुधार कर लीजिए। तो दक्षिण दिशा का जितना वास्तु आपका अच्छा रहेगा, तो आपके वहाँ की आर्थिक समृद्धि 100% बढ़ेगी, डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और साथ में दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का भूमि दोष नहीं होना चाहिए। ये भी बात खास ध्यान में रखनी जरूरी है। अगर भूमि दोष होए और दक्षिण दिशा में वास्तु दोष रहेगा, तो आपकी आर्थिक समृद्धि नहीं बढ़ पाएगी। अगर आपको जल्दी से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करनी है, आर्थिक बैलेंस ज़्यादा अच्छा बनाना है, तो आपको दक्षिण दिशा को वास्तु के हिसाब से परफेक्ट बनाना जरूरी है। उसको परफेक्ट वास्तु के हिसाब से बना लो, भूमि दोष का निकाल कर दो, तो आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा जड़प से आर्थिक मजबूती प्राप्त कर सकते हो। नमस्कार।